सबसे पहले बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिनके लिए आज इस्लामाबाद में पेशियों का दिन है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान को नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंचकर 190 मिलियन पाउंड के मुबैना करप्शन केस में शामिल तफ्तीश होना है। उबूरी जमानत में तौसी के लिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का चक्कर भी लगेगा, जबकि बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होने का इम्कान है। इमरान खान एक इंटरव्यू में अपनी गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं। कहते हैं उन्हें 80% यकीन है कि पेशी के मौके पर धर लिया जाऊंगा। ऐसी सूरत में इमरान खान ने कारकुनों को पुरअमन रहने का पैगाम भी दे रखा है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान को नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंचकर 190 मिलियन पाउंड के मुबैना करप्शन केस में शामिल तफ्तीश होना है। उबूरी जमानत में तौसी के लिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का चक्कर भी लगेगा, जबकि बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होने का इम्कान है। इमरान खान एक इंटरव्यू में अपनी गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं। कहते हैं उन्हें 80% यकीन है कि पेशी के मौके पर धर लिया जाऊंगा। ऐसी सूरत में इमरान खान ने कारकुनों को पुरअमन रहने का पैगाम भी दे रखा है।